लीक मामले को लेकर जहां CIA की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, मुख्य आरोपी मोहम्मद अफजल दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं। मोहम्मद अफजल पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जम्मू से दिल्ली एयरपोर्ट लेकर आया गया था आंसर की के मामले में अब तक कुल 40 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल 11 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया था। इस वक्त का बड़ा अपडेट, 11 आरोपियों पर देखिए इनाम घोषित किया गया था, 40 आरोपी इस मामले को लेकर अब गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पेपर लीक मामला आपके जहन में होगा, कितना तूल पकड़ा था, विधानसभा में भी आपने देखा। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, 2 लाख रुपए का इनाम मोहम्मद अफजल पर घोषित था और पुलिस की गिरफ्त में है। जम्मू से दिल्ली एयरपोर्ट लेकर आया था आंसर की। मामले में अब तक कुल 40 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुल 11 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया था। कुल 11 आरोपी इनामजद आरोपी थे। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी जयपाल। जयपाल, मामला काफी तूल पकड़ा था, आज मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, आपके पास क्या अपडेट? जी पूजा, बता दें कि पिछले महीने से जो पेपर लीक मामला है वो कैथल में उजागर हुआ था, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज थी, विधानसभा में भी वो पूरा हंगामा हुआ था जिसको लेकर, और सरकार भी पूरे ऐसे कयास लगा रहे थे कि जल्दी जल्दी आरोपियों को पकड़ेंगे। पर तो आज कैथल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी है, जिसमें पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी था, जिस पर हरियाणा पुलिस द्वारा 2 लाख का इनाम घोषित किया गया था, उसको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। वही बता दें कि जो ये मुख्य आरोपी था मोहम्मद अफजल, ये एयरपोर्ट के द्वारा दिल्ली पर जो पेपर की है वो लेकर आता था, और हरियाणा का जो राजकुमार है उसको वो पेपर की जो दी गई थी, उसके बाद पूरे हरियाणा में जो सप्लाई की गई थी, जिसकी कीमत 12 से 16 लाख तक आकी गई थी। कुल मिला के कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी पूजा जी, बहुत शुक्रिया आपका जयपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पेपर लीक के मामले को लेकर CIA को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।